दुखी देखा, माँ जानकी जी को बहुत प्रकार से दुखी देखा, तो हनुमान जी महाराज सोचने लगे, उधर श्री राघवी सरकार बन बन भटक रहे हैं, इधर माँ जानकी जी का विछोह और माँ जानकी जी अशोक वाटिका में विभिन्न प्रकार से दुखी हो रही हैं। हनुमान जी महाराज कहने लगे, बिधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, ओ बिधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, बिधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के राम लखन सिया बन को जाते हैं, ओ विधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे, एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे, होनी हो कर रहे करम गति करे नहीं कहू के तारे, सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं, बिधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, त्रिदासन बोली कर जोरी माँ कुलपति संगिनी ते मोरी, तजो देह करुगे देवताई तुसे मेरे अब सही नहीं गाई, हानि काट रचुचिता बनाई मातु अनल तुमने ही लगाई, सत्य करे मम प्रीति सयानी सुने कुमन सूल मानी, सुनत बचन पद गई समुदायी सी प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाई सी, निसी न अनल मिल सुन सुकुमारी अस कर सोनी भवन सिधारी, सीता विधि भावत कूला मिले न पावत मिले न सूला, जगियत प्रगट रहे अंकारा अब निन आवत एक भुतारा, आवक मैं शशि शब्द ने आगे मानो मोहि जाने हत भागे, जो नहीं बिनय मम विट में अशोका सत्य नाम धर धर मम सोका, नूतन किशले अनन समाना देह अग्नि जन कर ही निलाना, एक परम विरहा कुल सीता सोचन श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर विराजमान हैं और माँ जानकी जी को बहुत प्रकार से दुखी देख करके और प्रभु श्री राघवन सरकार के द्वारा भेजी गई मुद्रिका नीचे पधराई है। माँ जानकी जी मुद्रिका को देखते हुए और
विभिन्न प्रकार से विचार करने लगी। यह मुद्रिका राम नाम से अंकित है, माया से ये बनाई नहीं जा सकती, लेकिन ये मुद्रिका इस समय आई कहाँ से? बहुत प्रकार से विचार करने लगी। तब श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राघवेंद्र सरकार का गुणगान गाया और बताई, माता जी ये मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ। माँ जानकी जी को विश्वास नहीं हो गए, भैया ये माया भी नगरी है, लंका नगरी, इसमें पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तब हनुमान जी महाराज ने सत्य शपथ करुणा निधान की इस प्रकार माँ जानकी जी को श्री राघवेंद्र सरकार का अत्यंत गोपनीय नाम प्रकट किया है, तो हनुमान जी महाराज को विश्वास, श्री माँ जानकी जी को विश्वास हुआ कि हाँ ये श्री राघवेंद्र सरकार के दास हैं। और हनुमान जी महाराज कहने लगे, कहते सुनते आवे